उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कई जगह स्कूलों के इस्लामीकरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब अमेठी जिले में भी एक ऐसा ही स्कूल देखने को मिला है जो रविवार को भी खुला रहता है और उसके स्थान पर शुक्रवार को छुट्टी रहती है। मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र में स्थित MF पब्लिक स्कूल पिछले 2 सालों से चल रहा है। यूपी के कई जिलों में पहले भी ऐसे कई स्कूल मिले हैं जहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रखी जाती है। जानकारी नहीं है इसकी, हम जांच करा लेंगे कि क्या स्थिति है। वैसे कई जगह ये होता है कि शुक्रवार को सुबह जब नमाज होती है तो मदरसों की छुट्टी हो जाती है, ये ऐसा जानकारी में आया है। कई जगह ऐसा होता है जुमे की नमाज के कारण, लेकिन बाकी आप जो बता रहे हैं कि कागज़ नहीं दिखाए या नहीं दिखाए उसकी मैं जांच करा लूँगी। अल्पसंख्यक उसमें जो है छुट्टी जुम्मा को रहती है, शुक्रवार को, इसीलिए विद्यालय संडे को जो है शासना आदेश मैंने साहब बताया कि शासना आदेश जो है शुक्रवार को है, इसलिए हम लोग जो है शुक्रवार विद्यालय बंद कर दिए और जो है संडे विद्यालय खोल दिए। जुम्मा के दिन जो है बच्चों की संख्या भी कम रहती है और इसलिए जो है टीचर भी हमारे जो भी है मुस्लिम हैं वो भी जुम्मा पढ़ने चले जाते हैं, तो इसलिए सर हम लोग जो है शुक्रवार को छुट्टी करते हैं और ये मेरा मदरसा बोर्ड से मानता है, वो मदरसे के हिसाब से सर हम लोग चलते हैं। संडे के दिन सर पूरा दिन क्लास चलता है। और आइए आपको कई और जानकारी देते हैं, यूपी में आखिर कितने इस्लामिया स्कूल हैं। देवरिया जिले में 6 स्कूल हैं, सुल्तानपुर में 7 स्कूल हैं, तो वहीं बाराबंकी में 4 स्कूल हैं, सीतापुर में 3 स्कूल हैं। इसके अलावा अगर हरदोई की बात की जाए तो हरदोई में 3 स्कूल हैं, फैजाबाद में 1 स्कूल है। वहीं थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं पूर्वांचल की तरफ जाते हैं तो श्रावस्ती में, गोरखपुर में और महाराजगंज में 1-1 स्कूल है। जांच के बाद हालांकि कई स्कूल से इस्लामिया नाम हटाया गया है, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने निकल कर आया था कि शुक्रवार को छुट्टी होती है रविवार को खुले रहते हैं ये स्कूल, किस तरह से इस्लामीकरण करने की कोशिश हो रही थी, इसी के बाद जब जांच शुरू होती तो अब आगे कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी।